लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई, उसमें अनेक विषयों पर चर्चा हुई। हमें पता है कि भारत में वैक्सीनेशन अच्छा और तेजी से हो रहा है। आज तक 4,85,00,000 लोगों को, 4,85,00,000 टीके लगे हैं, डोसेस मिले हैं। 4 करोड़ से भी अधिक है जिनको दोनों एक डोज मिला है, और ऊपर 80,00,000 लगभग लोग ऐसे हैं कि जिनको दूसरा डोज भी मिला है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 32,50,000 इतने डोसेस कल 24 घंटे में दिए गए हैं। और कितना अच्छा चल रहा है, तेजी से चल रहा है। फरवरी में जहां रोज का एवरेज मंथली, यानी 30 दिन का एवरेज रोज 3,77,000 था, मार्च में वो 15,54,000 हो गया, लगभग 4 गुना से ज़्यादा बढ़ा। और पिछले सप्ताह में भी रोज 20,00,000 हुए और कल 32,00,000 हुए। तो भारत में वैक्सीनेशन का काम अच्छे तरीके से चल रहा है और तेजी से भी चल रहा है। आपको ये भी मालूम है कि पहले हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स, इन सब के लिए वैक्सीनेशन की सुविधा की गई और वो आज भी जारी है। कुछ लोग जो बचे हैं उनका आज भी हो सकता है। फिर 16 फरवरी से 60 से ऊपर जो बुजुर्ग है, उन सबको, जिनकी उम्र 60 से ऊपर है, ऐसे सभी लोगों को वैक्सीन मिलने की सुविधा उपलब्ध करी थी। और 45 से 60 तक जिनकी उम्र है, अगर उनको कोई बीमारी है तो बीमारी का सर्टिफिकेट लाने के बाद ही उनको वैक्सीन अभी तक मिलता था। लेकिन जैसे मैंने कहा, आज मंत्रिमंडल के बैठक में चर्चा हुई और विशेषज्ञों की सलाह, टास्क फोर्स का सलाह और वैज्ञानिक आधार पर दो फैसले किए गए। पहला फैसला ये कि 1 अप्रैल के बाद 45 से ऊपर कोई भी हो, जिसको बीमारी है या नहीं है, सबको वैक्सीन उपलब्ध होगा। सो फ्रॉम 1 अप्रैल anybody who is over 45 age will get vaccination even though he has no comorbidities. उसके लिए उसे अब कोई दाखिला लाने की, सर्टिफिकेट लाने की जरूरत नहीं है। 45 उम्र है उसको मिलेगा, 45 से ऊपर। तो ये एक बड़ा बेस के तरफ हम जा रहे हैं। और दूसरा भी निर्णय लिया वैज्ञानिक आधार पर, टास्क फोर्स के सलाह से, कि जो वैक्सीन के दरमियान, ये पहले बताया था कि पहले डोज के बाद 4 या 6 सप्ताह में ही वैक्सीन लेना चाहिए, दूसरा डोज। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने पाया है कि कोविशील्ड का डोज 4 से 8 सप्ताह के दरमियान लेना ठीक है, यानी 8 सप्ताह तक उसका अंतर बढ़ा सकते, उसका लाभ ही है। इसलिए हमारी सबको दरख्वास्त है
कि जो भी 45 के ऊपर है सब लोग अपना नाम रजिस्टर करें और अपॉइंटमेंट लेकर वो टीका लगाए, वैक्सीन करें। और एक और बात कहना चाहता हूं कि वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और भारत को अभिमान है कि भारत के दोनों वैक्सीन बहुत अच्छे सफल है। खुद प्रधानमंत्री ने कोवैक्सीन लेकर एक तरह से उस मुहिम का शुभारंभ किया था, और इसलिए कोई भी वैक्सीन ले, डॉक्टर के सलाह से दूसरा डोज ले और अपना नाम रजिस्टर करके पहले वैक्सीन ले ले, और 45 से ऊपर कोई भी हो उसको अब ये वैक्सीन मिलेगा।